हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए अब ये बात करते हैं इंट्राडे के लिए, कल के लिए कौन से स्टॉक हो सकते हैं जिनमें हम ट्रेड कर सकते हैं और ऐसे कौन से उसके की लेवल है जहां पे हम उस पर ट्रेड करेंगे। तो उससे पहले अगर बात करें, अगर आपने हमारी निफ्टी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, कल के निफ्टी एनालिसिस के लिए और बैंक निफ्टी की हमने एनालिसिस की है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और ऊपर आई बटन दे दूँगा, आप चाहे जाके देख सकते हैं। और उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि ऐसी अपडेट के लिए आप हमसे कनेक्टेड रहें। तो चलिए बात करते हैं कल इंट्राडे के लिए कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनके अंदर हम ट्रेड बना सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक हमारे पास है टाटा केमिकल्स। तो टाटा केमिकल्स के अंदर मैंने पिछले दिन कहा था कि जब प्राइस यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न के अंदर था और रेंज के अंदर रह के बंद हो गया था, तो मैंने कहा था कि इसके अंदर जब तक ये ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज ना दे, जब तक हम इसके अंदर बाय साइड नहीं जाएंगे, या फिर ये हो सकता है कि यहीं से ये इस सपोर्ट के नीचे नीचे आ जाए तो हम इसके अंदर सेल साइड बनाएंगे। पर इसने आज ब्रेकआउट दिया और इसके अंदर हम कल इस पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। कल हमें दिख रहा है कि ये अभी अपने सपोर्ट के आसपास चल रहा है, तो कल इसके अंदर जैसे ही ये इसके ऊपर क्लोज़ करे, जब जैसे ही ये इसके ऊपर क्लोज़ करेगा, हम इसके अंदर एक बाइंग साइड पोजिशन बनाएंगे, क्योंकि अभी ये फुल बुलिश के अंदर दिख रहा है। आज 4% की रैली आई है बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे। तो जैसे जब ये ऊपर क्लोज देगा तब हम इसके अंदर बाय साइड में जाएंगे। सेल साइड में हम तभी जाएंगे जब ये अपना ये पिछले दिन का 1150 का लेवल का स्विंग अगर क्रॉस करता है डाउन साइड में, तो हम अपनी हाफ क्वांटिटी रख के इस लेवल तक के लिए सेल साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली स्टॉक की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक हमारे पास है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में आज मैं सवेरे से इंतज़ार कर रहा था कि ये ट्रेंड लाइन के आसपास कुछ करे तो मैं कुछ करूँ इसके अंदर। तो सवेरे जैसे ही ये हमें पिन बार दिखा, एक बहुत ही बढ़िया पिन बार, यमी यहीं पे शॉर्ट का एक ट्रेड मिल गया था सवेरे। तो इसने लगातार नीचे आया, फिर ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लिया और फिर नीचे आया। मैं इसमें इंतज़ार कर रहा था कि एक सपोर्ट लाइन को बढ़िया से ब्रेक करे और फिर एंड पैटर्न बनाया और मैं फिर यहाँ पर लूँगा, पर ये यहाँ करा और वापस घूम गया। चलिए बात कर लेते हैं कि कल ये किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। तो कल हमें दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका है और नीचे क्लोज करके प्राइस इसके नीचे चल रही है और वॉल्यूम भी ठीक ठाक मिला हुआ है। जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ना क्रॉस कर जाए तब तक हम बाय साइड तो इग्नोर करेंगे, जब ये इसके ऊपर क्रॉस कर जाए तब हम बाय साइड जाएंगे और भी हाफ क्वांटिटी के अंदर, क्योंकि अभी ये ट्रेंड डाउन साइड का चल रहा है इसके अंदर। तो अगर ये फ्लैट खुलने के बाद हो सकता है कि इस रेजिस्टेंस के पास से ही 1300 के आसपास से ये घूम जाए और नीचे आना शुरू हो जाए, क्योंकि लास्ट के टाइम पे वॉल्यूम अच्छा आया हुआ है, रेड वॉल्यूम। तो इसके अंदर हम सेल साइड का ट्रेड लेंगे फुल क्वांटिटी के अंदर। टारगेट हमारा, हम इस लेवल को रख सकते हैं, ये लेवल हमारा टारगेट हो सकता है। अगला स्टॉक है हमारे पास अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स के अंदर देख सकते हैं हम पहली कैंडल ब्रेकआउट देने के बाद लगातार ये स्लो एंड स्टडी ऊपर ऊपर जाते रहा है और ये अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, ऑल टाइम हाई के क्रॉस कर चुका है। तो अब अगर देख सकते हैं जैसे ही अगर कल इसकी 50 मिनट की पहली कैंडल क्लोज देती है, हम फुल बाय के अंदर चल जाएंगे, हम सेल के अंदर नहीं जाएंगे। हाँ, सेल के अंदर कब जाएंगे, अगर मान लो सपोज एक गैप डाउन खुल जाता है या फिर ये गैप डाउन खुलने के बाद इस सपोर्ट लाइन के नीचे अगर ट्रेड करने लगता है तो हम इसके अंदर 900 तक के लिए हम सेल साइड जा सकते हैं। पर मैं तो कहूँगा कि क्योंकि ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो इसमें सेलिंग करना है बेवकूफ़ी होगी, तो इसमें सेल करना का ट्रेड ना ही ले। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल हाई के ब्रेक होने के बाद हम बाय साइड जाएंगे। अगर गैप डाउन खुलता है तो कहीं ना कहीं ये 925 के एरिया के सपोर्ट के पास दोबारा से ऊपर उठने की पूरी तैयारी करेगा ये। तो चलिए देख लेते हैं अगला स्टॉक हमारे पास कौन सा हो सकता है। अगला स्टॉक हमारे पास है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में सवेरे से ही बहुत अच्छी सवेरे एक बिग बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी के बाद ये अपने कल के रेजिस्टेंस के पास गया, जहाँ से कल गिरा वहीं पर रेजिस्टेंस के पास जाकर दोबारा इसने एक अच्छी रैली दी, जैसे कि देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर कल ऐसे ट्रेड करेंगे जब तक ये इसके ऊपर क्लोज ना दे दे। अभी ये लास्ट के 1 आवर एक अच्छा वॉल्यूम ऊपर ऊपर जाने को देखा, जो ग्रीन वॉल्यूम मिले हमको, अगर जब तक ये इस सपोर्ट के ऊपर 1336-1337 के ऊपर क्लोज ना दे दे, हम इसके अंदर बाय साइड इग्नोर कर बाय जब ये क्लोज दे देगा तब हम इसके अंदर बाय साइड जाएंगे। अदरवाइज़ ये हो सकता है कि ये दोबारा से इस रेजिस्टेंस के पास के आगे कोई नेगेटिव कैंडल बना के दोबारा से ये नीचे आने की कोशिश करें। तो लेट्स सी जैसा होगा, हम इस रेजिस्टेंस के पास वेट करेंगे, जैसी मूवमेंट बनेगी हम वैसे ही ट्रेड करेंगे इसके अंदर। अगला स्टॉक हमारे पास है एशियन पेंट। एशियन पेंट आज पूरे दिन एक रेंज में रहने के बाद जैसे ही कल अगर ये पैटर्न ब्रेकआउट होता है हम इसके अंदर ट्रेड करेंगे ज़्यादा चांस, क्योंकि अपने सपोर्ट के पास 1-2-3 बार ले चुका है तो ये बार बार नहीं करेगा। अब ये ऊपर जाने के लिए पूरा तैयार होगा, जब ये पूरा ऊपर जाएगा तो हमें फुल क्वांटिटी रख के ट्रेड करेंगे। हमारा एसएल जस्ट
इसके पास हम रख सकते हैं। और अगर ये अपने इस नीचे साइड में ब्रेक कर देगा तो हम नीचे साइड में ट्रेड करेंगे। जिस साइड में हमारा ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे, ये पैटर्न हमारा ब्रेक करे, हम उस साइड में ट्रेड करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला स्टॉक। अगला स्टॉक हमारे पास है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ के अंदर सवेरे बहुत शार्प डाउन फॉल आया, कैंडल बनी, जहाँ अपने रेजिस्टेंस के पास से ही एक बढ़िया ऊपर ने हाई लगाया, पर वहीं से गिर के एक नीचे आया। और उसके बाद ये लगातार स्लो स्टडी ऊपर जाते रहा और एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते रहा, उसी के बीच में ये रेंज के अंदर रह गया। तो अब हम कल इसके अंदर ट्रेड यही करेंगे। और इसने लास्ट के 1 आवर, लास्ट के 15 मिनट के अंदर इसने बहुत ही बढ़िया एक ग्रीन कैंडल बना दी। अब हम इसके अंदर ट्रेड कैसे करेंगे? हम ट्रेड तभी करेंगे जब हम इसके अंदर, जब तक कि ये वाला एरिया यहाँ पे एक क्लोज ना बन, यहाँ पे एक क्लोज ना हो। जैसे ही इस एरिया पे क्लोज होगा, हम इसके अंदर बाय साइड जाएंगे और ये एरिया के ऊपर हम अपने फुल क्वांटिटी रख के बाय करेंगे। नहीं तो हमारे यहाँ पे फिर एक चांस होगा कि यहाँ पे एक डाउनफॉल आ जाए, क्योंकि लगातार अभी प्राइस रेंज में चल रही थी और ये रेंज का डायरेक्ट ब्रेकआउट है, अभी कोई रिटेस्ट नहीं हुआ। हम वेट करेंगे रिटेस्ट का, रिटेस्ट होने के बाद हम इसके अंदर अपनी क्वांटिटी रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस कुछ स्टॉक्स को लेकर इंट्राडे के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।